हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित लव ब्यूटी। तो आज हम शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, तू है मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, इस ढंग का है तो शॉर्ट वीडियो जिसमें अपना माँ का तस्वीर ऐड किए थे। तो ब्यूटी जी देख के रोने लगी, पता नहीं उस सॉन्ग से ही ऐसा कुछ इनको ऐसा लगा कि वो रो दी। तो हम सोचे चलो जब रो दी तो हम इसको ब्लॉगिंग कर देते हैं, लॉन्ग वीडियो बना देते हैं। तो मेरा मम्मी 1992 में डेट की, हम 6 साल का थे उस वक्त। तो आपको दिखाते हैं, वीडियो बनाते बनाते रोने लगी। फिर हम सोचे चलो इसको ब्लॉगिंग कर देते हैं, दिखाते हैं हम अपना माँ का तस्वीर एल्बम में रखे हैं। फिर से वापस रख दिए, लेकिन ब्यूटी जी बोली इसको रोता हुआ चेहरा देख के हमको रहा नहीं गया। हम सोचे चलो इसको ब्लॉगिंग करते हैं, अब इसको लॉन्ग वीडियो बना के दिखाते हैं। अभी भी देखिए इसका रोता हुआ चेहरा, आँख में आंसू अभी भी है इसका। तो गुजरा हुआ बात याद आता तो रोना किसी को भी आता है। हम मर्द हैं, हम रोक के दिखा नहीं सकते हैं, बस दिल में ही छुपा के रखते हैं। मेरा वाइफ रो दी है, आँख में आंसू आता है फिर भी सुखा लेते हैं, क्या करें, चाह के भी नहीं दिखा सकते हैं। क्योंकि माँ का ना होने का तकलीफ उससे पूछिए जिसका माँ नहीं है, जिसका है उसको क्या अनुभव होगा। तो आपको दिखाते हैं माँ ना रहने से क्या होता है। फिर भी अपना माँ का तस्वीर अभी ला रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो ब्यूटी जी गई अभी एल्बम निकाल रही, लेकर आ रही है। अगर वो रोती नहीं तो हम ब्लॉगिंग करते भी नहीं, और शॉर्ट वीडियो में सिर्फ दिखा के हम छोड़ देते। लेकिन रोते हुए देख के दिखाते हैं, और भी एल्बम में कुछ कुछ फ़ोटो होगा। ये देखिए ब्यूटी जी निकाली एल्बम, दिखा दे। ये देखिए मेरा माँ का तस्वीर। ये फोटो अभी का नहीं है, ये 2005 में बनाया है ये फोटो। 2005 में हम रांची में बनाए हैं। सही से रखूंगी, इसमें सही से ऐसे लाइट नहीं आ रहा है ना, लाइट ऐसे का कवर में, इसलिए लाइट उस पर लग रहा है। निकाल के देखा, क्योंकि ये पुराना जमाना का फोटो है। 1992 के बाद तो मेरा मम्मी, ये फोटो भी पता नहीं 1990 के आसपास का होगा, क्योंकि 92 में तो मेरा मम्मी डेट कर गई थी। और इसमें कौन कौन सा फोटो है? तो शादी का फोटो है ये सब, बाकी सब शादी का फोटो है। इसको बाद में, इसको सब बाद में दिखाएंगे, एल्बम में रख दिए अभी एल्बम में है। शादी का फोटो दिखाएंगे फिर कभी दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, तब अभी माँ का फोटो बना रहे हैं इसलिए। तो मम्मी नहीं है तो ब्लॉगिंग में डाल दिए हैं, तो देखिएगा आप लोग। शॉर्ट वीडियो भी शॉर्ट वीडियो डालने के बाद ब्यूटी रोई, तब हम ब्लॉगिंग कर दिए लॉन्ग वीडियो में। क्योंकि गाना ऐसा है कि किसी का आंसू आ जाता है, क्योंकि इसका माँ नहीं है। जब छोटे थे तभी एक्सपायर कर दिया था 1992 में, कि हम 6 साल का थे। और जब धीरे धीरे करके बड़ा हुए, फिर 2005 में इस फोटो को बनाए, रहते भी हार में, लेकिन इसको बनाए हम रांची में, क्योंकि उस टाइम हम काम सीखने के लिए रांची गए थे। 2003 में गए थे, 2005 में बनाए। जो फोटो बेहतर चेन्नई में बनाता था, लेकिन उस टाइम चेन्नई हम नहीं लेके गए फोटो, लेके जाते थे चेन्नई में, बहुत बड़ा बड़ा स्टूडियो था, उसमें बहुत अच्छी ढंग से बना देता वो लोग, लेकिन वहाँ नहीं बनाने सके। तो इसको, ये फोटो को बड़ा करके इसको शीशा में, इसको शीशा में भरा के और अच्छी तरह से इसको सजाएंगे। चेन्नई में बाढ़ आ गया था 2016 में शायद, उसी टाइम मेरा रूम के अंदर और भी फोटो था जो गल खत्म हो गया, पानी भीग गया था, पूरा रूम पानी भर गया था, खत्म हो गया था फोटो, वरना फोटो फ्रेम कब का लगा दिए होते, ओरिजिनल फोटो ही खत्म हो गया है। था वहाँ रूम में सजाए हुए थे, सब गीला गीला टाइप हो गया सब। मेरा जो बेटा का भी फोटो था, मेरा माँ का फोटो, डायरी, कपड़ा, सब कुछ खत्म हो गया 2016 में। और 2020 में कोरोना वायरस के टाइम में हम छोड़ दिए थे चेन्नई में रहने के लिए, फिर घर पे ही है। देखिए तो ब्लॉगिंग आप लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए,
और भी अच्छी ढंग से वीडियो और भी बनाएंगे। अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा माँ का तो सिर्फ ऐसा लगा, मेरा गुजरा हुआ कल उसमें दिखा दिए हैं, याद आ गया था गाना, जैसी सुनते सुनते वक्त याद आया मेरा बॉस का, तो बोला हम अपना माँ पर बना देते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा बेटा भी बनाया है मेरा पर, वो है ब्यूटी कुमारी ऑफिशियल। हाँ, मेरा दूसरा चैनल ब्यूटी कुमारी ऑफिशियल, जो अपना माँ बेटा ये लोग भी बना दिए, तो उसमें देखिए ब्यूटी कुमारी ऑफिशियल को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। 0395 ब्यूटी कुमारी ऑफिशियल 0395 ब्यूटी कुमारी ऑफिशियल से आ जाएगा, इनका तस्वीर है तो पता चल जाएगा। बाय बाय।